हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में अच्छे होंगे सब। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे चने का निमोना। और मार्केट में मिल जाता है किराने की दुकान पे हरा चना, तो बनाइए आप। और बहुत टेस्टी बनता है सब्जी, तो ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये हमें पानी लेना है जितना ग्रेवी रखना हो, गाढ़ा या पतला। और ये मैंने सरसों का तेल लिया है, ऑयल 2 बड़ी कलछी लिया है मैंने। और ये मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। और मैंने लहसुन लिया है 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, ये लहसुन लिया है मैंने। और ये मैंने 1 कप हरा चना लिया है, रात में मैंने इसे साफ़ करके भिगो दिया था। और इसे मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है। और ये मैंने लिया 2 बड़े साइज़ का बटाटा, आलू मैंने इसे छील के कट कर लिया है, इसका छिलका निकाल के हमें कट कर लेना है। और ये मैंने लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार 1/4 चम्मच, हम हींग लेंगे, और 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है क्योंकि मैंने मिर्ची 3 लिया है, तो इसके लिए तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए नमक। और हल्दी पाउडर लिया 1/2 टेबल स्पून छोटा, और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने पचफोरन लिया है, और 1 प्याज लिया है तड़के के लिए मैंने छोटा। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लेंगे, छोटा वाला मसाला पीसने वाला। और इसमें हम जो मैंने लहसुन प्याज और मिर्ची धनिया लिया है उसमें हम डाल देंगे। और मेरे पास धनिया थोड़ा कम था तो इसके लिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा धनिया ज़्यादा डाल सकते हैं आप हरा। और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, गरम मसाला ले सकते हैं, सब्जी मसाला ले सकते हैं जो आपके पास हो। और मिर्ची पाउडर और हल्दी, और इन सबको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसे मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने मसाले को पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और एक मिक्सर जार लेंगे बड़ा वाला, और उसमें हम हरा चना डाल लेंगे। और इसे हम दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा जैसे हरे मटर का निमोना बनता है वैसे हमें पीस लेना है इसे। तो मैं इसे पीस लेती हूँ दरदरा। तो ये मैंने पीस लिया है, देखिए ये मैंने दरदरा पीसा है, एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम महीन भी नहीं पीसना है हमें। तो इसे मैंने पीस लिया है, तो हम बनाते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है, गैस पर कढ़ाई रख लिया है, और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते, ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे पचफोरन और इसे अच्छे से फूटने देंगे। इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। और मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, बहुत अच्छा लगता है सब्जी, जो निमोना बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम डालेंगे हींग, और गैस को मीडियम रखेंगे, अच्छे से भून लेना है हमें। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, और इसमें हम डालेंगे जो मैंने हरा चना का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे, और गैस को एकदम कम रखेंगे, मीडियम आंच पे अच्छे से हमें भूनना है, पक जाना चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से भून लिया है इसे, ये देखिए हमें अच्छे से भूनना है, इसमें से खुशबू आने लगे, और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अच्छे से हमें भून लेना है। और अभी हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने पीसा था, और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, और मसाले को भी अच्छे से हम भून लेंगे, जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से इसमें पक जाना चाहिए।
अच्छे से भुनेंगे और मसाले को इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए मसाले को और पक जाए मसाला, तब तक इसे हमें भुनना है। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल देखिए थोड़ा थोड़ा ये छोड़ने लग गया है। और इसमें हम डालेंगे बटाटा, आलू और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो चना लिया है मैंने वो कम ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक कप लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ मैं। और अगर आपको अपने फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाइए। और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, जितना ज़रूरत हो आप गाढ़ा पतला बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालिए आप। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमारा बटाटा है और चना ग्रेवी अच्छे से पक जाए तब तक हमें पकाना है। इसमें पहले उबाल आने देंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने लग गया है देखिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, मैंने दिखाया नहीं था, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो आप मत डालिए। और बहुत जन को निमोना में नहीं पसंद होता टमाटो और लेकिन डालते हैं तो अच्छा आता है, तो मैं बताना भूल गई थी, तो आप डालिए ज़रूर। और अभी अच्छे से टमाटो जब गल जाए और बटाटा जो आलू है अच्छे से पक जाना चाहिए और ग्रेवी गाढ़ा हो जाए तब तक इसे मैं पका लूँगी ढक के। और अभी हम ढक्कन हटा के देखेंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से, जो हमारे हरे चने का निमोना है वो पक गया है। और आप जैसे देख सकते हैं जो बटाटा है, गैस को बंद कर देंगे, चीटे आ रहे हैं ऊपर, तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको एक बार हम चला लेंगे। आप चावल के साथ में, चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं। और देखिए ये बटाटा अच्छे से टूट रहा है, अच्छे से ये पक गया है देखिए। तो अभी इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करते हैं। तो ये मैंने एक डिश में निकाल लिया है। तो ये हमारा हरा चना का निमोना बन के तैयार है। आप बनाइए, अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो बना सकते हैं, चावल के साथ में, चपाती के साथ में, पराठे के साथ में आप सर्व कर सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ। और मेरा वीडियो देखती रहिए और अपना प्यार देती रहिए ऐसे ही। और देखिए कितना अच्छा बना है सब्जी और खाने में भी टेस्टी है, तो एक बार ज़रूर बनाइए आप। और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।